सुबह बज रहे 7। हमारे तरफ साथ सभी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा नहीं क्या सुबह अपने खरगोश निकालते हैं, मुर्गे निकालते हैं, माशाल्लाह इस टाइम में निकाल देता हूँ। रोटी पड़ी है, रोटी पड़ी है वो दे देंगे। तो रोजा का हम दोनों ने रख दिया, नमाज पढ़ दी। और आपने कमेंट करे थे शेरी की वीडियो बनाए, तो इंशाल्लाह कल हम शेरी की वीडियो बनाएंगे। तो आज मुझे बनानी थी, लेकिन कैसे आज मोबाइल चार्ज बिल्कुल था नहीं, मोबाइल को मैंने चार्ज डाला तो कुछ हो गया। अब निकल जाओ मुर्गे गाइस, इनको निकालते सारे। निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ। हाँ और इसमें वो मुर्गी गाइस चारों पे बैठी है, निकल दियो। हाँ निकल जाओ, ये पैर में दे देता हूँ कि और कोई मतलब खरगोश वगैरह या मुर्गे ना इसके अंदर ना जाए, क्योंकि अंडे तोड़ देंगे। माशाल्लाह सुबह सुबह का मौसम काफ़ी अच्छा और परसुकून लगा हुआ। ये देंगे गाइस, बड़े होशियार है नहीं पता बेटी, आप खरगोश अच्छे लगते हैं। फूल देखा है तो माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। मुर्गी घर गए थे, ये खोल देते हैं मुर्गी को, देखते अंदर जाती है कि नहीं, क्योंकि ये छारे बैठी हुई है तो दो दिन में सही से बैठी हुई थी, आज पता नहीं क्या है कुरकुर कर नहीं रही और अंदर भी नहीं जा रही। गोरी आज पकड़े, गोरी आज 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 पकड़ने नहीं देती, भाग। ओ ये बाहर निकल गई, बाहर निकल गई बस। तो दरखत दिखा दी नहीं, मैंने सुबह सुबह पानी दे दिया है और पैसे मैं शाम को पानी दूंगा। और एक दो दिन हो गए गाइस बिल्कुल काम होता नहीं, गर्मी बहुत ज़्यादा हमारे पास हो जाती है। और हमारे बहन भाई कमेंट कर रहे थे आपने आगे छपरा बनाए, तो छपरा इधर शायद बनाए या ना बनाए, क्योंकि छपरा बनाएंगे पे ज़्यादा मेहनत लग जाएगी, ऊपर लेपाई करना, साइडों पे लेपाई करना। तो उस वजह से हमने सोचा कि एक छपरा बना देते हैं, हमारे पास लकड़ी पड़ी है, तदे भी पड़े इधर, गर्मियों के लिए सही हो जाएगा। ये ज़्यादा जो मतलब घर हो जाता है फिर लेपाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, रस्ते बोलेंगे तो लेबेड़ी सोई हुई काम ख़राब हो जाएगा। गुरु क्या कर रही हो, सारा दिन देखो सूट सिलाई कर रही, सारा दिन देखो सूट सिलाई कर रही है। सो अब मैं जाऊंगा बटे पे, तो आज तकरीबन को 10-12 ट्राले ईटों उतरवाने। क्या करी 10-12 में बड़ा बंगला बनेगा वो पता है, वैसे बंगला बनेगा नहीं। तो आज देखो गाइस गोरी कितनी खुशी हो रही है, एक बड़ा सा बंगला बनाएंगे इनिशियली ऐसे गोरी। अरे बेटी आप भी खुश हो जाओ, बड़ा सा बंगला बनवाएंगे। तो अपन घर चलेंगे बटे पे, तो लाइव आपको दिखाएंगे, उससे मैं बात करूंगा वो भी इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा, तो आप बट्ठा भी मैं आपको गाइस दिखाऊंगा। तो अब ने ज़्यादा आपका टाइम ज़ाया नहीं करते, जाते हैं और जल्दी जल्दी ईटों का मतलब बात करके पैसे देकर आ जाते हैं वापसी। सही हो, मैं आ रहा हूँ तकरीबन घंटे डेढ़ में। सही है, सही है। बर्फ वो गल जाएगी अभी, लेके आऊँ बस। गौरी कह रही बर्फ लेके आए, तो बर्फ में लेके आऊंगा। काम का माशाल्लाह आज भी थोड़ा बहुत पड़ा है। और आपने कह रहे थे कि दरखत नजदीक नहीं लगा, दरखत नजदीक नहीं लगा, दरखत सिर्फ है 3 नीम के पेड़, एक नीम का पेड़ ये गाइस, एक वो बहुत ज्यादा फासले पे, एक इधर आगे ये वाला। तो ये 3 मतलब बड़े फासले पे, बाकी ये जो फूल है गाइस ये फूल इतने बड़े आपको पता है कि नहीं होते। जैतून का ये दरखत गाइस ये भी इतना बड़ा नहीं होता है। हमारे बहन भाई कह रहे थे कि आपने बीच में दरखत लगा थे, बीच में मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे, इधर बाइक वगैरह गुजारना या चार पाई वगैरह रखना, उस वजह मैंने कहा साइड पे सही है। अगर ये ग्रो करते हैं अच्छे से होते हैं तो मैं और लेके आऊँ, इधर किचन के साइड पे डाल देंगे। तो ये किचन वाला काम पड़ा है, ये भी इंशाल्लाह 2-3 दिन तक न काम स्टार्ट कर देंगे। तो अपन कैसे आपको ज्यादा बोर नहीं करते और चलते हैं भट्ठे पे। सुबह अपन में भट्ठी पे पहुंच गए इस भाई के पास, तो पहले तक 3-4 ट्राले हमने उतरवाए थे, तो इस भाई से उतरवाए थे, तो आज पैसे मतलब एक ट्राला उतरवाएंगे, तो तकरीबन कितनी ईट गाइस, कोई 5000 ईट उतरवाएंगे इस भाई से। तो एक ने कमरा बनवाना है मुझे, इसलिए कमरा बन जाएगा। तो ये ना मतलब इनका रेट वगैरह सही होता है, और जो भट्ठे थे उनसे मैंने पूछा था तो उनका रेट वगैरह सही नहीं होता है, तो इसी ने मुझे सही रेट पर लगा के दिए। तो अब ना मैं जाऊंगा वापसी घर, तो ये अभी मतलब आ जाएंगे मेरे ख्याल से घंटे डेढ़ में आ जाऊंगा। जी जी हाँ, घंटे डेढ़ तुम्हारा रास्ता अब सही नहीं है, हमें जो तुम्हारे से चलते हैं, और कोई तुम्हारा रास्ता देगा फिर आएगा नहीं, कसम से। हाँ ये भी बात है कि मैं थोड़ा बहुत रास्ता भी सही नहीं है, हमारा ट्रैक्टर पूरा दिन फंसा हुआ होता है, ट्रैक्टर की 10,000 रुपए दिहाड़ी है। हाँ ये भी बात वो सही है, हम दोस्ती में खैर है चल जाते हैं, उसका कोई मसला नहीं है। नहीं ये भी आपका बहुत बड़ा मतलब एहसान है और आपका शुक्रिया करना चाहिए। तो इंशाल्लाह और भी अगर ईटे वगैरह उतरवानी होगी तो इस भाई से उतरवाएंगे, तो इनका रेट वगैरह सही होता है। तो पहली बार जब मैंने ईटे उतरवाए थी तो मैं भट्ठे में गया, तो रेट वगैरह मतलब और जो भट्ठे थे उनका सही रेट नहीं था, तो उनका रेट सही था, तो मैं इनके पास आया तो सबसे सस्ता मतलब ये वाला बैठा था। तो ये वाली ईट है, तो ये ना हम भाई से लेंगे, ये 5 ईटें लेंगे। तो अभी मुझे ऐसा लगता है ट्रैक्टर ट्राला निकल जाएगा, क्योंकि थोड़ा रास्ता मुश्किल है, लेकिन अभी मैंने थोड़ा रास्ता सही करवा दिया है, तो उस वजह से ज़्यादा मैं ईटें मैं मंगवा रहा हूँ। ये देखा इस ईटें माशाल्लाह सही है। तो अब ना मैंने भाई को कह दिया, ये कह रहा है कि 2 घंटे तक ना हम आ जाएंगे। तो बैठे से होकर ना अब मैं जा रहा हूँ वापसी, तो मैं जाऊँगा शहर, वहाँ से ना मुझे बर्फ़ लेनी है, क्योंकि पहले शाम को मैं नहीं आऊँगा, तो एक बार मैं काम कर दूँ, तो अगर मैंने अभी बर्फ़ नहीं ली तो मुझे पहले शाम को आना पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ अभी बर्फ़ ले लूँगा, थोड़े बहुत फ्रूट लेने होंगे वो फ्रूट ले लूँगा, उसी बाद शाम को मुझे जाना नहीं पड़ेगा,
तो ये भाई कह रहा तकरीबन मैं आ जाऊंगा दो घंटे तक, तो तक मुझे ऐसा लगता है 2:30 बजे नहीं मतलब आ जाएगा, तो 2:30 बजे से इंतजार करते हैं। अगर आता ऐसा ही, अगर नहीं आता तो मैं नंबर ले लिया इसको, मैं कॉल करूंगा। सो माशाल्लाह रोज़ाना हमने रख दिया और नमाज भी हम दोनों ने सुबह पढ़ दी। सो शहर से मैं आ गया हूँ वापसी, तो अब मैं आपको बताता हूँ गाइस कितनी ईंटें मतलब आएगी। तो या तो मतलब ट्रैक्टर वाला 2 बार लेके आएगा 2500 ईंट, या तो मतलब 5000 ईंट मतलब 1 बार लेके आएगा। शाम तक ना ये 5000 ईंट आपको पहुंचा दूंगा, तो ये बात की है। तो मैंने पैसे वगैरह नहीं दिए, तो अभी इधर आएगा तो सीओ में पैसे दूंगा। तो भाई 5000 ईंट ना हमें दिए, 50000 ऊपर 2000 मतलब 52000 रुपये में 5000 हमें ईंट दिए। तो इसमें ना एक बहुत बड़ा मतलब कमरा बन जाएगा, वो आपको दिखाएंगे कहाँ कमरा बनवाएंगे। ईंटें उतराएंगे तो उसी बात गाइस आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कमरा बनवाएंगे। तो गाइस वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फूल गाइस माशाल्लाह हमारे बहुत अच्छे हो रहे हैं। ये देखा गाइस ये वाला फूल गाइस ये थोड़ा बड़ा होता है, तो उसमें फूल बहुत अच्छे अच्छे लगते हैं। और बहन भाई कमेंट कर रहे थे आपने कैमरा ज्यादा हिलाते हैं, तो इंशाल्लाह ये वाला वीडियो इसमें कैमरा ज्यादा नहीं हिलाऊंगा। मेरी कोशिश होती है मैं कैमरा को ज्यादा ना हिलाऊं, लेकिन पैर भी थोड़ा बहुत हिल जाता है क्योंकि एक आदत बन गई नहीं गोरी। ये सिस्टर ने जो गिफ्ट किया था ना वो सूट है, अभी तो मेरा आया ना। हाँ अभी आपका हो गया। तो गाइस ये न्यू सूट था, ऐसे नहीं है सिस्टर ने पहन कर वो दिया था, ऐसा नहीं है, न्यू सूट था। और ये थोड़ा वेकर में दिया था ऐसे गोरी, तो वेकर में थोड़ा ज्यादा है, कटिंग कर दी ये कटिंग की गाइस। तो अब ना ये मेरे ख्याल सही हो जाएगा, फिटिंग करती हो जाएगा फिटिंग। तो सूट वगैरह कैसे अच्छे सिलाई कर लेती हूँ। हाँ, अगर हमारी कोई मतलब बहन दे आपको सिलाई करने के लिए कर लोगी। हाँ जी कर लूंगी। 1000 सिलाई? हाँ। नहीं 1000 नहीं, हमारे व्यूअर्स है हमारे बहन भाई उनसे थोड़े लेंगे, उनको क्या फ्री में कर दें। उसको फ्री में, उसको फ्री में। हाँ जी। तो अभी गाइस अगर सूट वगैरह हो तो इससे पहले गौरी के लिए ना पार्सल कर दो, गौरी ने अभी गाइस फारिक बैठी है तो सिलाई आपको करके देगी। पर ये पिक्चर देखा माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है, सबसे ज्यादा अच्छी तभी बेटी लग रही है। गौरी ने भी सूट वगैरह सिलाई कर लेती है अच्छे से, गौरी की जो अपने सूट होंगे ना वो किसी और को नहीं देने पड़ेंगे ऐसे ही गौरी। हाँ जी। तो गौरी अब ऐसा कर देंगे मुझे ना आप सिलाई करके दे, सही है? नहीं नहीं सूट क्यों? आप सिलाई नहीं देते। मैं सिलाई दूंगा 500 रूपए सिलाई, ज्यादा नहीं दूंगा 500 रूपए। दर्दी को मैं 700 देता हूँ, आप तो मेरी वाइफ 200 छोड़ोगी नहीं? नहीं पे देता नहीं, मुझे पता है ये खराब करके देगी। तकरीबन 2 होने वाले, 2 से सिर्फ 5 मिनट कम में। तो अभी तकरीबन आधा घंटा वेट करते हैं, आधे घंटे में अगर ईंटों वाला मतलब ट्रैक्टर वाला ना भाई आ जाता है सही है, अगर नहीं आता तो फिर मैं कॉल करूंगा। गोरी ईंटें किसके लिए? मेरे लिए। क्या करती हो आप अभी? बंगला बनवाती हूँ। बंगला बनवाती हूँ 5000 ईंट में? हाँ जी। तो गाय गोरी अमीर हो गई है, फिर बड़ा बंगला बनवा रही है वो 5000 ईंट में। अब नहीं इधर से गाइस देख रहे हैं ऐसे ना आएगा, तो ये वाला रास्ता थोड़ा सही है। सो हमारी गुड़िया ने ना आज बहुत ज्यादा नींद कर दी, तो गौरी ने आज ज्यादा काम कर लिया। आज तो नींद ज्यादा कर ली तनीले बेटी ने, ज्यादा कर ली। हाँ कोई मेरे ख्याल 2 घंटे हो गए सोई हुई। नहीं हाँ जी। ये देखेंगे माशाल्लाह हमारा क्यूट सा गुड़िया, इस सूट में यकीन करे इतनी प्यारी लगती है, दिल करता है सारा दिन बस मैं देखता रहूं। वैसे बेटियां जो होती है ना वो बहुत प्यारी होती, नहीं गोरी? हाँ जी, बेटे से बेटियां प्यारी होती है। हाँ ये तो है गाइस, बेटे अच्छे होते हैं लेकिन बेटियां हैं ना ये कमाल की होती है, अल्लाह पाक की रहमत है। पानी शानी अबू लेके आए, पिएगा पानी? लेके आए अभी नींद से उठी है, तो पानी तंजला बेटी को पिलाते हैं। सो तंजला बेटी के लिए मैं लेके जा रहा हूँ पानी, पानी पिलाते हैं, अभी नींद से उठी है बेचारी। तो गाइस मैं शहर गया था, वहां से मैं फ्रूट भी लेके आया और गोरी क्या लेके आया? बर्फ। बर्फ भी लेके आए, तो इंशाल्लाह शाम की अफ्तारी हमारी बहुत अच्छी अच्छी होगी। तो ये देखा तंजला बेटी अभी पानी ज्यादा पी रही है, जब भी नींद से उठती है तो उस टाइम हम पानी पिलाते हैं। तो मैंने सोचा आज सारा दिन काम नहीं किया तो थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, तो इस तरह ये जाली में डाल रहा हूँ गाइस, तो माशाल्लाह मजबूत हो जाती है। तो इधर अभी मैं डालता हूँ ये कटिंग करके गाइस मैं लेके आया हूँ, एक ना हमारे पास गाइस पूरे औजार नहीं है, तो उस वजह थोड़ा मुश्किल हो जाता है ये काम वगैरह करने में, लेकिन माशाल्लाह ये सेटिंग से मैंने सही काट दी है। तो ये मैंने लकड़ी है ना गाइस ये मैंने काट दी है, ये जाली दूंगा गाइस नीचे, ये लकड़ी दूंगा ऊपर, उस तरह नहीं मतलब ये मैंने डाल दिया इस तरह मैं डाल दूंगा। इसी तरह का अभी जल्दी जल्दी काम करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कितना काम होता है कितना नहीं। तो आज सारे दिन मतलब काम हुआ ही नहीं, तो एक तो मैं चला गया उधर, दूसरा कि आज थोड़ा नहा लिया, तो मैंने कहा आज कपड़े शपड़े खराब नहीं करते। अगर मैं कहीं चला जाता हूँ तो उनको खरगोश को मैं बंद कर देता हूँ, एक ये बैर खड़ा है, 2 अभी अंदर है, और मुर्गी गाइस वो छारे पे नहीं बैठ रही थी, वो भी आज छारे पे बैठी है, वो भी गाइस 2-3 घंटे छारे पे बैठ गई थी। तो अभी मैंने बैर निकाला है, तो मैंने कहा शाम को पेड़ से मैं डाल दूंगा ये वाला घर है इसमें। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये जाली में किस तरह डालता हूँ, पहले इधर मैं सेट करता हूँ, इधर सेटिंग ये वाली हो गई, इधर सेटिंग गाइस ऐसे, तो ये बड़ी लकड़ी है गाइस ये ऐसे डालूंगा,
तो अब देखना गाइस, एक किल डालूंगा तो ये लकड़ी गाइस खड़ी हो जाएगी, तो अगर आगे पीछे होगी तो एक किल डाला हुआ होगा तो निकालने में आसानी होगी। तो एक किल डालूंगा तो उसी बार पैर में दूसरी लकड़ी डालूंगा इस तरह का। इसमें ये देखा गाइस माशाल्लाह बहुत अच्छा काम हो गया। अब नीचे वाली लकड़ी है ना उधर डालते हैं इधर। ये दोनों खिड़की मैंने डाल दी, मतलब दोनों जाली मैंने डाल दी गाइस अच्छे से। तो ये भी मतलब किल वगैरह पड़े तो ये अभी मैं रख देता हूँ, क्योंकि मतलब सुबह को या शाम को मैं वो घर वाली जो खिड़कियाँ हैं उसमें डालूंगा, क्योंकि किल और है नहीं तो और नहीं मैं किल लेके आऊँगा। तो उसी बाद में पैर से मतलब ये जो खिड़कियाँ दो तीन रहती है ना ये मैं डाल दूंगा। तो माशाल्लाह काम अच्छे से हो गया ये वाला, तो ये किल भी मैं रख देता हूँ। ये जाली है ना पहले ना उधर डालेंगे तो उसी किल में लेके आऊँगा, पैर इधर डाल देंगे। सवाल, आप सभी का रमजान शरीफ कैसा गुजर रहा है? हमारा अल्लाह पाक का शुक्र है बहुत बहुत अच्छा गुजर रहा है। ऐसी अफ्तारी ऐसी सेहरीन गाइस हमने ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि हम रमजान शरीफ में करेंगे, तो ये सब अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह पाक का करम है। तो जितना कहें उतना कम है गाइस। हमारे खरगोश देखे गाइस माशाल्लाह कहाँ कहाँ जा रहे हैं, माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। ओए कहाँ भाग के जा रहे हो? सो इसमें मेहनत जा रही है, अभी देखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कोई बड़ा सा खड्डा दे दिया है, ज़्यादा रेत निकाल रहे हैं। तो इनके लिए गाइस ये घर सही है लेकिन थोड़ा आगे है, तो गाइस अच्छा नहीं लग रहा लेकिन सही है, क्योंकि दीवार में खड्डा करके उस तरफ नहीं जाएंगे। और वैसे हमारे एक सिस्टर कह रही थी कि खड्डा देकर उस तरफ चले जाएंगे, मुझे भी ये शक लग रहा है। अपन गाइस बैठ चल के देखते हैं कि ईंटें आई है कि नहीं, अगर ईंटें आ गई तो किसके लिए गाइस। तो ये देखें माशाल्लाह ये ईंटें पड़ी है, उधर वो ईंटें पड़ी है। कौन भाई गाइस ईंटें उठा रहा है, वो और उसकी वाइफ। तो मुझे ऐसे लग रहा है ज्यादा कि आज ईंटें उठा लेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा, जैसे मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि उस भाई का घर नहीं है, तो एक हमारा भाई है पाकिस्तान से, मेरे ख्याल से पंजाब से, तो वो घर बना के दे रहा है उस भाई को। अपने तो चल के देखते हैं कि वो घर कहाँ बनवा रहा है। तो भाई ने ये इधर घर बनवा रहा है, तकरीबन 15 फुट ऐसे बना रहा है, 11 फुट ऐसे, तो ये बड़ा कमरा हो जाएगा। तो ये ईंटें अभी उठा रहा है, इतनी ईंटें इकट्ठी कर दी है। केन भी हम उठा के आए गाइस, तो केन भी लेके आए। और ये देखा ईंटें ये पड़ी है, तो इंशाल्लाह कल काम करवाएंगे स्टार्ट, क्योंकि आज सारा दिन मतलब ईंटें उठाई है सुबह से लेकर शाम तक इन दोनों ने। ये एक भाई था एक इसकी वाइफ थी, तो अभी तक उठा रहे हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि कल तक ना मतलब ज़्यादा तक ईंटें उठा लेंगे, तो कल ना वो लेके आएंगे मिस्त्री को, तो मिस्त्री से काम करवाएंगे। तो ये थोड़ी बहुत टूट गई है, ये भी काम चल जाएगा इसके साथ में, वो सारी देंगे ना उसमें काम में आ जाएगी। तो ये वाली ईंटें पड़ी गाइस, तो ईंटें अभी माशाल्लाह अच्छी कैसे पड़ी उठाने के लिए। तो यकीन कर गाइस भाई ने बहुत ज़्यादा खुश हुआ, क्योंकि उसके पास ना अपना घर नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि मतलब मेरी वजह से ना किसी अच्छा हो जाता है, तो इससे बढ़ के कोई और अच्छी बात है नहीं। अगर मेरे बारे में कोई गलत सोचता है तो सोचने दे, लेकिन मेरी ये सोच है कि मैं कहता हूँ कि किसी गरीब का अच्छा हो जाए। तो हमारे मुर्गे गाइस आज दूर चले जा रहे हैं, ये देखा सुबह सुबह मैंने रोटी वगैरह दे दी, उसी के बाद रोटी दी, इनको पता नहीं क्या है। तो ये मुर्गी गाइस दो दिन चार रहे बैठी, आज तो मतलब आई नहीं अंदर, बैठने के लिए कर नहीं रही। अब नहीं इस मुर्गी भाई मैं पकड़ के अंदर छोड़ता हूँ कि ये छारे पे बैठ जाए, वरना ये ख़राब हो जाएगी। मुझे ऐसे लगता है दो दिन आप छारे पे बैठी, आज तीसरा दिन आप छारे पे बैठती नहीं हो, ये तो गलत बात है। तो अब तक कोई मतलब घंटा रह गया अफ्तारी में, फ्रूट वगैरह लेके आए वो पड़े हैं। और आज निकल मैं जाऊँगा मेले पर, आज दूसरा एक मेला लगा है उस पर, तो आज भी जाऊँगा कल भी जाऊँगा। आज मतलब इतना ख़ास मज़ा नहीं होगा, कल ज़्यादा मज़ा होगा। कल मैं वीडियो बनाऊँगा मेले का, तो आप कमेंट से ज़रूर बताएं कि मैं बनाऊं कि ना बनाऊं। ये देखा खरगोश हमारे मुर्गे भी साथ में बसिंग खा रहे हैं। तो आज गाइस मैं मेले के वीडियो बना था, लेकिन आज मतलब इतना खास मज़ा नहीं होगा, मैं थोड़ा बहुत देखूंगा पैर में वापसी आ जाऊंगा। तो गोरी कहता हूँ कि रोज़ा अफ्तार कर देना आप, सही है, मैं वापसी आ करूँगा, सही है। तो अब मैं जाऊँगा मेले पर, मतलब मोबाइल को इधर छोड़ के जाऊँगा, तो उधर ज़्यादा ख़तरा भी लगता है मोबाइल निकालने का। और आज इतना खास मज़ा नहीं होगा, कल होगा ज़्यादा मज़ा, कल होगी पहली धमाल, तो पहली धमाल पे आपको दिखाऊंगा कि मेला कितना बड़ा लगता है। तो ये व्लॉग कैसा लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, नेक्स्ट टाइम हम अच्छे अच्छे व्लॉग बनाए आप दोस्तों को दिखाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खैर आप और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो अपने ख्याल किए, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ आपका, अल्लाह हाफिज़ इधर करो, इधर रो रही है ये, कहती नहीं करूंगी नहीं। सुबह खरगोश को ना बंद कर देते हैं, क्योंकि अब मैं जाऊंगा मेले पे। तो ये ऐसे के
कहीं से मतलब निकल जाए, ये खड़े वगैरह देकर इधर से ना निकल जाए, क्योंकि गोरी इनका देखभाल इतना करती नहीं, तो सोचा मुझे डर लगता है कहीं निकल ना जाए।